हे गाइस, वेलकम टू द चैनल द इंडियन एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन वुड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका आईएमडीबी पर 7.1 आउट ऑफ 10 का शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही साथ 90% गूगल यूजर उसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक अच्छी आत्मा दो लड़कों के साथ मिलकर एक तांत्रिक से बाकी आत्माओं को चुराने के लिए प्लान बनाता है। क्या वो अपने इस प्लान में सक्सेस हो पाया, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक तांत्रिक अपने काली शक्तियों से भूतकाल का आगमन करने में जुटा हुआ था, और दूसरी तरफ हमें दो लड़के मेजर और गुल्लू को दिखाया जाता है। उन दोनों को बचपन से ही भूत पसंद था। उन दोनों ने अपने पूरे घर को हॉरर पैलेस बना के रखा था। ये दोनों अपनी फैमिली से दूर यहाँ पर अलग अलग तरह के भूतिया बिजनेस की स्टार्टअप में लगा रहता है, पर हर बार किसी न किसी कारण से इनका भूतिया बिजनेस फेल हो जाता है। और घर वाले इन दोनों के खर्चे के लिए पैसा दे देकर थक चुके थे, और साथ ही इन दोनों के साथ उस घर में राका नाम का एक मॉन्स्टर भी रहता था, जिसे वो लोग काली पहाड़ी के नीचे के जमीन से निकाल कर लाए थे, और उसे वो लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, जिससे वो एक दिन अपनी पावर दिखाकर उनकी भूतिया लैब में कुछ कमाल कर पाए। अगले दिन मेजर और गुल्लू अमावस की रात को एक भूतिया थीम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि वो लोग इसके थ्रू कुछ पैसा कमा सके। पर उनकी उस पार्टी में कोई भी गेस्ट नहीं आते, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और तभी मॉन्स्टर राका की आंखों से चमकती हुई लाइट एकदम से बुझ जाते हैं, इसीलिए वो दोनों उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी उन्हें बिजली के झटके लगने के कारण वो दोनों उधर ही बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो उनकी पार्टी में उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जो भूटिया कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और जोरों शोरों से पार्टी में घुल मिल गए थे। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते है। तभी उनके वहाँ एक लड़की रागिनी मिलती है, जो कि असल में एक चुड़ैल होती है, पर यह बात गुल्लू और मेजर को पता नहीं था। वो दोनों रागिनी के साथ डांस करते हैं, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और गुल्लू से पूछते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और जब गुल्लू अपनी चारों तरफ देखते हैं, तो उसे वहाँ पर कोई भी गेस्ट नहीं दिखाई देता, सिर्फ वो दोनों अकेले ही नाच रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर इससे पहले जितने भी लोग थे वो सब भूत थे, और उस बिजली के झटके लगने के कारण गुल्लू और मेजर को भूत देखने लगा था। यानी उन दोनों के पास ऐसी कोई पावर्स आ गई थी कि जिससे कि वो मरे हुए लोगों को देख सकते हैं। अब वहां से वापस आने का टाइम वो दोनों रास्ते में ड्रग्स की गोलियां ले लेते हैं, जिससे वो लोग का नशा चढ़ने लग जाता है और अपनी कार को ऑटो पायलट मोड पे डाल करके चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार चिकनी चुड़ैल नाम की एक चुड़ैल के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं, और चिकनी चुड़ैल जाके दूर कहीं गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद गुल्लू और मेजर बहुत डर जाते हैं, और वो अपनी कार से बाहर निकलकर चिकनी चुड़ैल को देखने जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उस चुड़ैल के पैर उल्टे हैं, और उन्हें लगता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर उल्टे हो गए, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि जिसका उसने एक्सीडेंट किया था असल में वो एक चुड़ैल ही है, और चुड़ैल के पैर तो उल्टे ही होते हैं। इसलिए वो दोनों चिकनी चुड़ैल के पैरों को सीधा करने की कोशिश करते हैं, जिसके दर्द में चिकनी चुड़ैल की आत्मा रोने लगती है, और वो दर्द के कारण से मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग घर में आने के बाद उन लोगों के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है, और जब वो बाहर आकर देखता है तो उन्हें वहाँ पर रागिनी मिलती है। रागिनी की खूबसूरती देख करके वो दोनों उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं, पर रागिनी बताती है कि वो एक चुड़ैल है। पर ये बात मेजर मानने के लिए तो रेडी नहीं था, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत चुड़ैल के बारे में कभी ना सुना है और ना ही कभी देखा है, और इसीलिए रागिनी मेजर के शरीर में एंटर करके उसके मिडिल स्टंप को चोट पहुंचाने में लग जाते हैं, और तब उन दोनों की गांड फट जाती है। उसके बाद रागिनी बताती है कि उसे पता है कि ये दोनों भूतों से नहीं डरते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं होने के वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए वो उनके लिए एक बिजनेस का आइडिया लेकर आई थी, जिससे कि वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सके। और वो बिजनेस आइडिया ये था कि रागिनी लोगों के शरीर में एंटर करके उन्हें परेशान क्या करेगी, और उसके बाद वो दोनों गुल्लू और मेजर भूत भगाने वाले बनकर आया करेंगे,
और इन लोगों के अंदर से रागिनी को निकाल करके क्लाइंट से बहुत सारा पैसा ले लिया करेंगे। पर इसके बारे में वो लोग थोड़ा सोचने के बाद मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता था। पर थोड़ी देर बाद उन्हें याद आता है कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है और इसलिए वो लोग इस आइडिया को रागिनी से चुरा कर रागिनी के बिना ही अप्लाई करने के बारे में सोच लेते हैं। और जब वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताते हैं कि वो भूत भगाने वाले बनकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है तो उनके पेरेंट्स उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस काम में उसका फैमिली मेंबर कोई भी सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन दोनों ने अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा नहीं करके यहाँ पर भूतों वाले बिजनेस आइडिया को सक्सेस करने में लगे हुए थे। लेकिन दोनों को आखिरी चांस देने के लिए उनके घर वालों ने उन्हें लगभग 5 करोड़ रुपया दे देते हैं। और अब घर वाले उन दोनों को कहते हैं कि उनके पास 3 महीने का टाइम है इस पैसे को वापस करने के लिए और अगर वो लोग ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस भूत वाले बिजनेस को छोड़कर घर वालों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और इसके लिए गुल्लू और मेजर एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो अपने इस प्लान से बहुत सारा पैसा कमा सकता है और इसीलिए अब गुल्लू अपनी ही एक ऐप डेवलप करता है जिससे लोग उन्हें कॉल करके भूत भगाने के लिए बुला सके और उन्होंने उस ऐप का नाम रखा था फोन भूत। इसके बाद जब उनके पास फर्स्ट कॉल आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं और अपना अपना कॉस्ट्यूम पहनकर अपने क्लाइंट के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर वो कॉल फुकरे गैंग ने ही की होती है और वो उनके फोन भूत ऐप के बारे में बहुत मजाक बनाता है और इस तरह अब उनके पास जीतू भैया मुन्ना भैया जैसे कई सारे लोगों का कॉल आते हैं जो इनके इस प्लान को बुरी तरह से डीमोटिवेट कर देते है। और इतने सारे फेक कॉल आने के बाद मेजर अब उस फोन को तोड़ने ही वाला होता है पर तभी उनके पास एक जेन्युइन कॉल आ जाता है जहां पर एक छोटी बच्ची के अंदर भूत को निकालने का काम मिला है और इसीलिए वो लोग अपने फर्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए फुल तैयारी के साथ वहां पहुंच जाते हैं जहां पर उस बच्ची के रूम में जाने के बाद वो लड़की उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट देती है और डर की वजह से उन दोनों की हवा टाइट होने लगती है। उसके बाद वहां पर रागिनी आ जाती है और तब वो आत्मा उस लड़की की शरीर से बाहर आकर अपनी स्टोरी रागिनी को बताती है। दरअसल उस आत्मा का नाम लावण्य था और जब वो एक दिन घर आ रही थी तो उस बच्ची के फादर के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था पर उसकी फादर लावण्य को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए, उसने उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया और खुद वहां से भाग गया और इसी वजह से उसकी वहां पर मौत हो गई। मौत के बाद उसकी फैमिली बहुत ही गरीबी में आ गई क्योंकि वही अपनी फैमिली के लिए कमाने वाली अकेली लड़की थी जिसकी वजह से लावण्य की आत्मा बदला लेने के लिए उस के बॉडी में आई थी। अब ये सब सुनने के बाद रागिनी उसे भरोसा दिलाते हैं कि उस बच्ची के फादर से गुल्लू और मेजर को जितना भी पैसा मिलेगा वो उस पैसों को लावण्य की फैमिली तक पहुंचा देगी जिसके बाद वो गरीबी में नहीं जिएंगे और इससे उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। अब ये बात सुनकर लावण्य उस बच्ची के शरीर को छोड़कर चली जाती है और गुल्लू और मेजर उस लड़की की फैमिली से 10 लाख रुपया लेकर लावण्य की फैमिली को जाकर दे आते है जिससे कि लावण्य बहुत खुश जाती है और आखिरी इच्छा पूरी होने के कारण लावण्य को मुक्ति मिल जाती है। अब इस तरह से रागिनी एक टीम बनाकर गुल्लू और मेजर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है और जब मेजर उसमें से उसका फायदा पूछती है तो वो कहती है कि उसको उनसे एक फेवर चाहिए जिसके बारे में वो उन्हें सही टाइम आने पर बता देगी। इसके बाद वो अलग अलग जाकर लोगों के अंदर से भूत भगाते रहते थे और उन भूतों को मोक्ष प्राप्ति करा देता था। इसके लिए उनके फोन भूत ऐप का नाम हर जगह फेमस होने लगता है और भूतों में भी खुद को मोक्ष कराने के लिए उन लोगों के बीच भी होड़ मची हुई थी। एक तरफ से गुल्लू और मेजर उन आत्माओं की मदद भी कर रहा था और साथ ही साथ पैसा भी कमा रहा था और इसी बीच एक दूसरे तांत्रिक को इसके बारे में पता चल जाता है जिसका नाम आत्माराम होता है जो आत्माओं को मोक्ष का लालच देकर अपने पास कैद कर लेता है और उनसे बहुत सारे बुरे काम करवाता था। उसके पास एक छड़ी थी जिसमें कि कई सारे शक्तियां थी और उसे वरदान भी मिला था कि वो ना ही उत्तर दिशा में मरेगा और ना ही दक्षिण दिशा में, ना ही उसे कोई आत्मा मार सकती है और ना ही कोई इंसान, जिससे वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके हर जगह आतंक फैलाने में लगा रहता था। उसके पास बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी रहती थी जो मोक्ष पाने की लालच में उसके सारे बुरे काम करती थी पर वो उन्हें खुद मुक्ति नहीं देकर उनकी मुक्ति के बहाने उन्हें बोतल में कैद कर देता था
और इस तरह से उसने कई सारे आत्माओं को बोतल में कैद करके रखा हुआ था। अब नेक्स्ट डे मैथ्यू नाम का एक आदमी आत्माराम के पास आता है और वो पहले भी किसी समस्या के समाधान के लिए उनके पास आ चुके थे और अब वो फिर से किसी आत्मा को कैद करने के लिए वहाँ पर आया था। उसकी बात सुनने के बाद आत्माराम उसे कहता है कि उसकी प्रॉब्लम का सलूशन तो वो दिलवा देगा क्योंकि दो दिन बाद चंद्र ग्रहण है और उसी दिन आत्माओं की शक्तियाँ बहुत कमजोर हो जाती है और तभी वो उन आत्माओं को अपने वश में कर सकता है। दरअसल मैथ्यू रागिनी की आत्मा को ही कैद करवाने के लिए वहाँ पर आया था। वो ऐसा क्यों चाहता था इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा और इस बारे में रागिनी को भी पता चल जाती है और वो डरते हुए गुल्लू और मेजर के पास आती है और उनसे कहती है कि अब टाइम आ चुका है कि तुम लोग मेरी फेवर को पूरा करो। और अब वो टाइम आ चुका था कि वो लोग उसकी फेवर को पूरा करे। वो बताती है कि कुछ टाइम पहले दौलतपुर का राजकुमार दूसन सिंह हॉर्स राइडिंग करते टाइम अपनी हॉर्स से नीचे गिर गए थे जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट लग गई थी और उसके इलाज करने के लिए रागिनी को बुलाया गया था क्योंकि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थे और दूषण का इलाज करते हुए रागिनी उसके इतना करीब आ गई थी कि उन दोनों के बीच प्यार हो गया था और वो एक दूसरे से शादी करने ही वाले थे मगर एक एक्सीडेंट पर रागिनी की मौत हो गई थी और उसके बाद से दूषण बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। और अब रागिनी को पता चला है कि दो दिन बाद दूषण सुसाइड करने वाला है और वो चाहती थी कि वो गुल्लू और मेजर दूसन को सुसाइड अटेम्प्ट करने से रोके और उसकी जान बचा ले। पर इसके लिए मेजर तो पहले रेडी नहीं होता है क्योंकि उसे रागिनी की स्टोरी में कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही थी। पर गुल्लू इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो रागिनी को बहुत पसंद करने लगा था। वैसे तो मेजर भी उसे पसंद करता था पर सिर्फ काम वासना की वजह से। दूसरी तरफ चिकनी चुड़ैल मुक्ति के लालच में आत्माराम के पास पहुंच जाती है और आत्माराम उसे वेटिंग लिस्ट में डाल देता है और उसके बाद वो अपने चेले राहु और केटू को फोन बोट की तरह एक ऐप अपने लिए भी बनाने को कहते हैं जिसके लिए दोनों किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और रास्ते में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार एक्सीडेंट करके उसकी आत्मा को अपने साथ ले आते है। उधर गुल्लू और मेजर रागिनी के साथ दूसन को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उन दोनों को मारने के लिए आत्माराम चिकनी चुड़ैल को भेजती है। पर जैसे ही चिकनी चुड़ैल उन दोनों को देखती है तो उसे अपनी दर्द याद आने लगती है जो गुल्लू और मेजर ने पहले दिए थे और वो डर के कारण अपने उल्टे पैरों से वहां से भागने लगती है और उसके पीछे रागिनी भी जाती है जो उसके दर्द को समझती है और उसे मुक्ति दिलाने की वादा करते है और उसे अपने साथ मिला लेती है। अब इसके बाद आत्माराम गुल्लू और मेजर को मारने के लिए डायन को भेजती है जिसकी चोटियों में शक्ति थी और वो अपनी चोटी से गुल्लू और मेजर को बहुत बुरा हालत करने लगती है। पर तभी वहां पर रागिनी आ जाती है और उसकी हेल्प से मेजर उस डायन की चोटी को काट देते हैं और इसी तरह से वो रोते हुए आत्माराम के पास वापस आ जाती है और वहां पर जाकर बता देती है कि गुल्लू और मेजर की हेल्प एक चुड़ैल रागिनी कर रही है और ये सुनकर आत्माराम काफी अचंभित हो जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि प्रॉपर्टी के लालच में मैथ्यू ने दुष्यंत और रागिनी का एक्सीडेंट करवाया था और उस एक्सीडेंट में सिर्फ रागिनी की मौत नहीं हुई बल्कि दुष्यंत की भी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद मैथ्यू ने आत्माराम की मदद से दुष्यंत की आत्मा को उसके पास बोतल में कैद करवा दिया था और उसी को आजाद करने के लिए रागिनी ने गुल्लू और मेजर से झूठ बोला था। पर रागिनी अब सारी सच्चाई उन्हें बता देती है पर ये सब सुनकर उन दोनों का दिल टूट जाता है क्योंकि वो दोनों रागिनी से प्यार कर बैठी थी और इसीलिए वो रागिनी के साथ देने से मना कर देते हैं। पर तभी आत्माराम अपनी शक्तियों की मदद से रागिनी को अपने पास बुला लेती है और उसे भी एक बोतल में कैद कर देती है। उधर गुल्लू और मेजर को लगता है कि उन्हें रागिनी की हेल्प करनी चाहिए इसलिए वो दोनों अपनी पूरी तैयारी के साथ आत्माराम की हवेली में पहुंच जाता है जहां पर वो लोग देखते हैं कि रागिनी को आत्माराम ने एक बोतल में कैद करके रखा हुआ था और वो वहां पर उन दोनों को बहुत परेशान करता है जिसके बाद वो लोग रागिनी को बचाने के तरीके ढूंढने लगते है और तभी राका वहां पर आ जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और जिसे गुल्लू और मेजर ने काली पहाड़ी से लेकर आए थे। अब वो वहां पर आकर आत्माराम के लोगों को मारना शुरू कर देता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है
और उसी बीच गुल्लू रागिनी को बोतल से आजाद कर देता है और काफी देर लड़ाई करने के बाद आत्माराम राका को घायल कर देता है और रागिनी को दुष्यंत की आत्मा को दिखाता है जिसे उसने एक बोतल में कैद कर रखा था। वहां पर आत्माराम दुष्यंत को मारने की कोशिश करता है पर मेजर दुष्यंत को बचा लेता है और गुल्लू आत्माराम की छड़ी को उससे चुरा लेता है और उसे चलाने की कोशिश करता है पर वो चलती ही नहीं थी क्योंकि आत्माराम को वरदान जो मिला हुआ था और इसीलिए गुल्लू और मेजर उस वरदान को तोड़ने के लिए अपनी दिशाओं को चेंज कर लेते और रागिनी के साथ मिल जाते और रागिनी से मिलने के बाद ना ही वो आत्मा रहते हैं और ना ही इंसान। उसके बाद वो इस तरह से छड़ी में अपनी शक्तियों को डालकर आत्माराम को खत्म कर देते है और उस लड़ाई में कुछ अच्छी आत्माओं भी उनका साथ दे देती है जिन्हें उन लोगों ने पहले मुक्ति प्राप्त करवाई थी। और इस तरह से आत्माराम के मरने के बाद रागिनी दुष्यंत को भी आजाद करवा देती है और उसके साथ उसकी भी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और उधर गुल्लू सारी कैद आत्माओं को भी आजाद करके उन्हें मोक्ष प्राप्ति करवा देते है और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, जय हिंद।